तो कैसे हो आप लोग। 11th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इंग्लिश का, और जो ग्रामर टॉपिक्स हमने क्लास 10th में भी इंग्लिश में पढ़े थे 40% टॉपिक्स हमें क्लास 10th वाले 11th में भी मिलेंगे। तो जो 2021 में रिवाइज सिलेबस CBSE ने इशू किया है हम उसको देखते हैं, और प्लस क्या चेंजेस पिछले साल से क्लास 11th के, इस साल के क्लास 11th में क्या चेंजेस आए हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा थ्रू आउट द ईयर इंग्लिश अगर पढ़ना है तो आपको ये माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है जिससे आपको नंबर मिले। आप एक फोकस्ड डायरेक्शन में काम करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको दिखा दूँ कि इस साल का जो हमारा सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, वो कितना नंबर कैरी करेगा और क्या क्या आएगा। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पूरा सेम टू सेम क्लास 10th के जैसे ही है। जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था, हमारा रीडिंग सेक्शन वहाँ भी 20 मार्क्स का कंटेन करता था, और यहाँ भी क्लास 11th में भी रीडिंग सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन हमारा 30 मार्क्स कंटेन करता है, फिर लिटरेचर सेक्शन हमारा 30 मार्क्स, मतलब आपका टोटल हो गया 80 मार्क्स, और इन 80 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स जो और बचे हैं हमारे वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। आपके स्कूल वाले डिबेट करवाते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन करवाते हैं, राइटिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं, लिसनिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं, और नोट्स, फिर हमारे प्रोजेक्ट्स पे हमें वो 20 नंबर मिलते हैं। तो वो मान के चलो कि स्कूल पे डिपेंड है, बट जो हमारे पे डिपेंड 80 मार्क्स, वो आप कैसे गेन करोगे पूरी थ्रू आउट द ईयर। आपको बेस्ट कंटेंट्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी आपको ग्रामर टॉपिक्स के, राइटिंग सेक्शंस के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने जैसा देख ही लिया होगा कि हमारा वेटेज क्या होता है, कौन सा सेक्शन का कितना वेटेज होता है। इंग्लिश हमने देखा कि रीडिंग सेक्शन हमारा सेक्शन ए 20 मार्क्स कंटेन करता है, राइटिंग सेक्शन हमारा और ग्रामर 30, फिर लिटरेचर हमारा 30। अब हम सेपरेटली देखते हैं इन सेक्शंस में आपको क्या क्या, कितने कितने मार्क्स के पढ़ने पड़ेंगे, कौन से बुक से पढ़ने होंगे, और कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो आप इन दिनों को अपनी इंग्लिश के मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हवा बहुत तेज है। सेक्शन ए की हम बात करेंगे। सेक्शन ए आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है हमारा। दो क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, फिर से बोल दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन हमारा 550 से 600 वर्ड का एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज होगा। इसमें आपको दो क्वेश्चन, इस कॉम्प्रहेंशन पहला जो पहला हमारा पैसेज होगा इसमें दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा अनसीन पैसेज का नोट मेकिंग, उसी कॉम्प्रहेंशन का नोट बनाना होगा हमें 4 मार्क्स का, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसी अनसीन पैसेज का हमें समरी लिखना पड़ेगा, ये भी 4 मार्क्स। तो नोट मेकिंग का फॉर्मेट होता है और समरी भी बनाने का एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 4 और 4 हो गए हमारे 8। पहला पैसेज हमारा कंटेन करता है 8 मार्क्स, समझ गए। अब दूसरा पैसेज जो इसी सेक्शन में आता है अनसीन, वो होता है 12 मार्क्स का। अब इन 12 मार्क्स में से आपको उस पर्टिकुलर पैसेज से क्वेश्चन आंसर भी पूछ देगा, मल्टीपल चॉइस भी पूछ देगा, एंटोनिम्स एनोनिम्स, जैसे हमने क्लास 10th में देखा था कि हमारे अनसीन पैसेज में ऐसे ही तो आते थे ना, तो बस क्लास 11th में भी सेम टू सेम है। तो ये बात हो गई हमारी रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में हमने बताया आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज का जिसमें हमें नोट मेकिंग और समरी बनानी होगी, दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर बनाना होगा, और फिर क्या बोलते हैं आपको कि एंटोनिम सिनोनिम जैसी, इसमें आपको प्रोज और पोएट्री दोनों मिल सकती है। अगर प्रोज मिलती है तो 350 से 400 वर्ड का रहेगा, अगर वहीं पोएट्री मिलती है तो 28 से 35 लाइन के बीच में रहेगा, हो सकता है कभी कभी कम भी हो जाए। सेक्शन बी की बात करते हैं, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, जो कि हमारा मेन आता है, जो हमें थ्रू आउट द ईयर जिस पे फोकस करना होता है, ठीक है। अब क्योंकि लिटरेचर तो हम रट लेते हैं, अनसीन पैसेज इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, बस राइटिंग सेक्शन और ये ग्रामर पोर्शन हमें ध्यान देना होता है। तो देखो इसमें क्या है, ग्रामर पोर्शन में इसने कहा है कि मैं पहला क्वेश्चन दूंगा नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट में, जो कि होगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और एडवर्टीजमेंट राइटिंग। एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, प्रचार प्रसार जैसे करते हैं ना, हमारे स्कूल में आइए, एडमिशन ओपन है, ये स्कूल का नाम हो गया। तो ये इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में देख लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, मतलब दूसरे क्वेश्चन में दो सेक्शन मिलेंगे आपको। इसमें जो पहला होगा वो इसमें दोनों लॉन्ग आंसर है और दोनों 6-6 मार्क्स कंटेन करता है, मतलब दोनों 12 मार्क्स मिला के हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन इसमें क्या होगा? लेटर, ठीक है, आप समझ रहे हो, इन दोनों क्वेश्चन में हमें लेटर राइटिंग मिलेगी। लेटर राइटिंग कौन सी? इंक्वायरी को लेकर,
प्लेसिंग ऑर्डर को लेकर, लेटर टू एडिटर को लेकर, जॉब अप्लीकेशन लेटर, इन तीन चार लेटर के फॉर्मेट्स आपको पूरे रटे हुए होने चाहिए, प्लस ट्रिक भी पता होना चाहिए जो हम अपने पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमारी 6 मार्क्स की, जो हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेन लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, जॉब अप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर, 5 लेटर्स आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा आपको, ठीक है। तो ये 5 लेटर पूरा 11th में आ रहा है, तो कितना ईजी है, समझ रहे हो ना आप। अब हमारा ये 2 क्वेश्चन तो हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन जो राइटिंग सेक्शन का हमारा आता है वो है हमारा ये, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी आर्टिकल राइटिंग आ जाएगी, डिबेट आ जाएगा, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपको स्पीच भी आ सकता है लिखने को। तो ये कुछ चीज़ें हमारे तीसरे क्वेश्चन में मिल जाएंगी आपको। तो राइटिंग सेक्शन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होने वाला है, लेकिन ईजी होने वाला है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसने डिफाइन कर दिया है कि हाँ चलो नोटिस ही आ रही है, एडवर्टीजमेंट ही आ रहा है, और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बात होगी हमारी राइटिंग सेक्शन की। अब हम बात करते हैं अपनी ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन में क्या है हमारे, ग्रामर सेक्शन में इसने कह दिया है, पहला क्वेश्चन मैं आपको ओमिशन या एडिटिंग का दूंगा, ठीक है, दूसरा हमारा वही एडिटिंग का रहेगा, रीऑर्डरिंग सेंटेंस रहेगा, और उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रहेगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस चेंज करना, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करना, तो चेंज करना सेंटेंस को बदलना, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये राइटिंग और ग्रामर ये दोनों मिला के हमारा 30 मार्क्स कंटेन करता है, जो कि मैं आपको कवर करवाऊँगा, ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करवाऊँगा। अब हमारा आखिरी जो है लिटरेचर, जो लिटरेचर पोर्शन आता है, इसमें इसने कहा है कि पहला क्वेश्चन मैं क्या दूंगा आपको, मेरा 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीन पैसेज, जैसे हमारे 10th में आता था ना लिटरेचर का पहला क्वेश्चन सीन पैसेज होता था, अब जिसमें 2 पैसेज होते थे, आपको एक पैसेज को करो, उसके क्वेश्चन के आंसर करो, सेम इसमें भी होता है, आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे और करके रहेगा, आप चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो आप, ठीक है, उसमें क्या होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे लेकिन आपको करने 2 होंगे और मार्क्स भी रहेगा 2। तो लिटरेचर सेक्शन का पहला क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स कंटेन करेगा, ठीक है, और लिटरेचर सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपकी क्लास 11th में 2 बुक लगेंगी, एक है हॉर्नबिल और एक है स्नैपशॉट। हॉर्नबिल हमारा मेन हम मान के चलेंगे, जैसे क्लास 10th में हमने द फर्स्ट फ्लाइट बुक पढ़ी थी ना, और उसके साथ एक हमारा सप्लीमेंट्री चलता था, वही तो सप्लीमेंट्री यहाँ पर मान के चलो स्नैपशॉट जैसा है, और हॉर्नबिल हमारा मेन बुक है। हॉर्नबिल से इन 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको स्नैपशॉट से मिलेगा। ये 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन आपका होगा। अब तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला सीन पैसेज, दूसरा क्वेश्चन आंसर। तीसरा इसने क्या कहा है, इसने तीसरा कहा है कि 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये 6 मार्क्स का रहेगा। 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको करना 1 होगा, आपका पहला क्वेश्चन मतलब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें का, ये हॉर्नबिल से मिलेगा, चौथा क्वेश्चन आपको स्नैपशॉट से मिलेगा, वही उसमें भी 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना 1 होगा। अब फोर्थ वाला इसने कहा, जो आखिरी क्वेश्चन ये देगा, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि मैंने ऊपर दिया, मैंने 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 1 स्नैपशॉट से और 1 हॉर्नबिल से, ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन ये हॉर्नबिल से दे रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपने जो टेक्स्ट में पढ़ा होगा सीधा क्वेश्चन, जैसे किसी का करेक्टर स्केच पूछ देगा, ठीक है, और किसी स्टोरी में कुछ हुआ रहेगा तो उसका रीजन पूछ देगा, तो वो उसका आंसर आपको बुक में ही मिलेगा। लेकिन जो इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको बुक में नहीं, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, आपको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लगा के चलनी होगी। तो ये पूरा पैटर्न हमारा रहा क्लास 11th इंग्लिश का। होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, वीडियो एंजॉय करो यार, हम चैप्टर वाइज इनके जो वीडियोज हैं वो अपलोड करते रहेंगे, हमारी वीडियोज के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आपको यहीं एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।